पावर एक्सप्लोर के तीसरे पार्ट में आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यह है क्यूबिक रूट ऑफ 18, दिस इज द 6 रूट ऑफ 144 एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6। बच्चों यहाँ पे 2 होता है, लिखा नहीं जाता है या जब कुछ ना लिखा रहे तो समझ जाइए यहाँ पे 2 है। 2 को ही हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 या 2 यहाँ होता है, लेकिन क्वेश्चन में 2 नहीं बना रहेगा, लेकिन हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 होगा, नहीं होने का मतलब यहाँ 2 है बच्चों। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं पहले समझाते हैं। जैसा कि यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं और 3 नंबर को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो, ये अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, nth रूट ऑफ a इज रिटन एज a टू द पावर 1 बाई m। इसका ये मतलब हुआ कि थर्ड रूट ऑफ 18 इट इज रिटन एज 18 का होल पावर 1/3। ऐसे ही 6 रूट ऑफ 144 इसको हम लिख सकते हैं 144 का होल पावर 1/6, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 को लिख सकते हैं 6 का होल पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है 2 छुपा होता है। ठीक है, अब क्या करना, अब मैं बता दूं, जो पावर है 1/3, 1/6, 1/2, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 6 है, 2 है, तो जो भी पावर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, यानी एलसीएम ऑफ, अब हम निकालेंगे 2, 3, 6, 2, 3, 6 कैसे निकालते हैं बच्चों, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, 2, 3, 6 ऐसे लिखते हैं ना, 2 से डिविजिबल है, 2, 1, 2, ये नहीं डिजिट छोड़ दो, ये 3, अब 3 से डिजिट होगा, 1, 1 और 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि एलसीएम ऑफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 6, इसकी वैल्यू होगी 2 × 3 अर्थात 6 होगी। अब क्या करेंगे, जब लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर्स का, पावर के डिनोमिनेटर का लिस्ट कॉमन मल्टीपल 6 आ गया, अब देखो हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 18 को हम लिख रहे हैं 18 का होल पावर 1/3। अब बेटा काम करो, हम चाहते हैं कि इसका डिनोमिनेटर में 6 आ जाए, तो 6 कर दो, लेकिन तभी 6 आएगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बैलेंस करने के न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, यानी 2/6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर का होल पावर 1/6, और 18 का स्क्वायर क्या होता है सोच लेना भी। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये देखो, ये 144 है, 6 रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 144 का होल पावर 1/6। अब इसका डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 है, 1/6 है, मतलब डिनोमिनेटर में 6 है यानी फ्रैक्शन इसका 1/6 है। ठीक है, अब देखो तीसरा बच रहा है, थर्ड क्या बच रहा है ये देखो, थर्ड वाला जो है वो है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 1/2। बेटा क्या करो, इसके डिनोमिनेटर में 1/6 लगा दो, तो उसके मतलब 3 यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी तो 3/6 को आप 1/2 सब कुछ करोगे, या दिस इंप्लाइज दैट रूट स्क्वायर रूट ऑफ 6 इक्वल टू लिख सकते हो, अब 6 ये पावर 3 है यहाँ लगा दो का पावर 1/6, ये होगा 6 × 6 × 6, ये होता है 216 होता है। देखो 36 में 6 से मल्टीप्लाई करो, 216 आएगा, सही है, 216 आएगा, 216 का होल पावर 1/6 होगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि क्यूबिक रूट ऑफ 18 की जो वैल्यू है 18 का स्क्वायर, अच्छा हाँ जी, एक जरा 18 का स्क्वायर करके देख लो आप, तो जो 18 का स्क्वायर जब हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि पूरे, तो बच्चों जो 18 का स्क्वायर होगा ना वो 324 होगा। ठीक है, तो थोड़ा एक बार अच्छे से लिख देते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 18 इसका मतलब होता है 18 का होल पावर 1/3, और आपने 3, 6 और 2 का जब एलसीएम लिया था तो 6 आया था, तो बेटा क्या करो, इसके डिनोमिनेटर में 1/6 लगा दो, अब आपको पता है जब 1/6 होगा तो बैलेंस करने के यहाँ 18 का यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तभी तो 2/6 1/3 होगा, और 18 का स्क्वायर 324 का होल पावर 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट था रूट सिक्स ऑफ 144 था, तो देखो 144 का 1/6 कर देंगे, इसको बदलेंगे नहीं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में सॉरी इसका फ्रैक्शन में ऑलरेडी 1/6 है, तो ऐसा करिएगा कि नंबर का पावर 1/6 हो जाए हर जगह। रूट 6 को लिखेंगे 6 का होल पावर 1/2, अब हम क्या करेंगे, होल पावर जब 1/6 लेंगे तो देखो एक्चुअली में 1/2 है,
तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो 3/6 1/2 होता है, और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 324 होल टू द पावर 1/6, उससे जस्ट छोटी संख्या कौन है, 216 4 पावर 1/6, और सबसे छोटी संख्या कौन है, देखो सबसे छोटी संख्या बेटा है आपका 144 2 होल पावर 1/6। तो चूंकि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे और बाद में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो ये किसके लिए है, ये है क्यूबिक रूट ऑफ 18, ये किसकी वैल्यू है, ये है रूट 6, ये किसकी वैल्यू, ये है रूट 6 ऑफ 144। यही हमारा क्या है, ये हमारे 3 नंबर किस फॉर्म में लिखे हैं बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इसी तरह होंगे बच्चों। अगला सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दिस इज द थर्ड रूट ऑफ 4 है, दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ 6 है। तो देखो बच्चों पहले तो हम लिस्ट का और मल्टीपल निकालते हैं, देखो यहाँ 2 है, यहाँ छुपा रहता है 2, 3 और 4, जब ऐसे हम निकालोगे 2, 3, 4 का, इसकी वैल्यू 12 आएगी। देखो कैसे आपने बचपन में पढ़ा था, कैसे भी फिर नंबर कैसे निकालते हैं, इसे आप देखो 2 × 2 × 3 18 बेटा 12 आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लिखेंगे 3 का पावर 1/2। अब देखो 3 का पावर 1/2, अगर इसके डिनोमिनेटर, देखो एलसीएम का मतलब ये होगा, जो एलसीएम आता है 12, तो इसका मतलब है कि इसके फ्रैक्शन जो नंबर का पावर है उसका डिनोमिनेटर में 12 लिख दो, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6 होल पावर 1/12, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे कैसे 12 आया है। अब 3 × 3 × 3 ×, देखो 3 का पावर 6 का मतलब होता है 3 × 3 × 3, 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 को, ये 27 होता है और ये 27 होता है, 27 × 10 = 27 आप निकाल लीजिए। तो जो निकालते हैं, जो निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको नोट कर लीजिए, आएगा 3 × 6 = 2 आएगा 729 2/12। अब ऐसे ही देखो क्यूबिक रूट ऑफ 4 को आप लिखोगे पहले 4 का होल पावर 1/3, अब क्या लिखोगे 4 का पावर, अब इसके नीचे आप 12 लगा दो, तो बैलेंस करने के लिए हमें 4 यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4/12 ही तो 1/3 है, या 4 का पावर 4 का होल पावर 1/12। अब 4 का पावर 4 कैसे आ गया तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि फार्मूला पढ़ा था आपने, a^m^n = a^m×n, कुछ यही प्रॉपर्टी यहाँ हमने लगाया है, ठीक है ना। देखो जैसे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं इसका पावर यहाँ आ जाता है, क्योंकि तो जब फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिखा जा सकता है, ठीक है, 6/2 फर्दर यही बन जाएगा, इससे ये इससे आप ये लिख सकते हो, 3 का पावर 6 729 था ये। ऐसे बेटा अब यहाँ भी 4/12 क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके डिनोमिनेटर में 12 दिखे, फ्रैक्शन का जो नंबर का पावर है उसका जो डिनोमिनेटर है वही होना चाहिए जो एलसीएम में आया है पहले, ठीक है। 4 का पावर 4 क्या होगा, 4 × 4 × 4 × 4, तो 16 × 16, 4 पे पावर 4 क्या होता है, 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16 होता है, 4 × 4 = 16 होता है, तो 16 × 16 करिए, जो आया उसको नोट करिए, 256, तो ये होगा 256 का होल पावर 1/12। ऐसे ये लास्ट वाला है 4th root of 6 है, अर्थात 6 का होल पावर 1/4 है, 6 का होल पावर, आप डिनोमिनेटर में 12 लगा दीजिए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3/12 ही तो 1/4 होता है। अब क्या करो, 6 का पावर 3 का होल पावर 1/12 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 108 का होल पावर 1/12, क्योंकि 6 पावर 3 होता है 6 × 6 × 6, 36 × 3 आपको 108 आता है, ठीक है। अब तुम देखो बेटा, अब इसको अब ये देखो, ये है 729 का होल पावर 1/12, ये है 256 का होल पावर 1/12, ये 108 का होल पावर 1/12, और हमें किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या पहले देखते हैं, इन तीनों नंबर में सबसे बड़ी संख्या अब हम जज कर सकते हैं, क्योंकि सबका पावर सेम है, यानी ये सबसे बड़ी संख्या 729 का होल पावर 1/2, ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है 256 का, उससे जस्ट छोटा है 256 होल टू द पावर 1/12, और सबसे छोटा आपका है 108 टू होल पावर 1/12, बस आ गया। अब सबका ओरिजिनल वैल्यू थी, 729 किसके लिए है, रूट 3,
उसके बाद 256 किसके लिए बेटा, थर्ड रूट ऑफ 4, थर्ड रूट ऑफ 4, और उसके बाद 102 द होल पावर में 2 किसके लिए है, फोर्थ रूट ऑफ 6। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और क्वेश्चन है रूट 3, थर्ड रूट ऑफ 4 एंड फोर रूट ऑफ 5, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे 2 होता है, 2, 3 और 4। देखो क्या आता है, 12 आता है क्या, 2, 3, 4, हाँ 12 आएगा, ठीक है। 2 × 2 × 3 आएगा, तो ये आएगा 2 × 2 × 3 इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो नाउ, अब ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2, ठीक। अब क्या करना, अभी हो जाएगा 3 का पावर, इसके डिनोमिनेटर में 12 लगा दो तो ऊपर 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6/2 ही तो 1/2 होता है। करना क्या, जो एलसीएम आता है बच्चों ना, तो जो नंबर है उसका जो पावर है, उस पावर यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसके डिनोमिनेटर में 12 दिखना चाहिए। तो 12 दिखेगा तो इसको मत 6 लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी तो 6/12 को 1/2 करोगे। अब ये 6 क्या होएगा, 3 पे आ जाएगा, 3 पे पावर 6 का होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब 3 पे पावर 6 क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अभी हम कर देते हैं, 27 × 27 का होल पावर 1/2 लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड रूट ऑफ 4th क्या होगा, ठीक है, यानी क्यूबिक रूट ऑफ 4, इसको लिख सकते हैं 4 का होल पावर 1/3, अर्थात 4 का होल पावर, यहाँ 12 डेनोमीटर लगाओ तो बैलेंस करने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई किया होता तो 12 आया होगा, ऊपर 4 लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 4 का होल पावर 1/12। अभी देखो 4 का 4 क्या होता है, 4 × 4 × 4 × 4, 16 × 16 करना पड़ेगा, ठीक है ना, 256 आता है, चेक करना क्या आता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ रूट ऑफ 5 क्या होगा, ये चेक कर लो, 5 का होल पावर 1/4 लिख सकते हैं, 5 का होल पावर, यहाँ डिवाइडेड बाई 12 कर दो डिनोमीटर में, तो बैलेंस करने के लिए हमें 3 लगाना पड़ेगा। देखो 12 तभी आएगा ना, जब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 3 आएगा, 4 में जब 3 से मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का होल पावर 1/12, ये आसान है, 125 का होल पावर 1/12। अब थोड़ा इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तब हम देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो 3 का पावर 6 ना देगा 729 और 4 का पावर 4 होगा 256। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि इधर का संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर्स होगा वो छोटा होगा, उसके आगे वाला सबसे बड़ा होगा, सबसे लास्ट और सबसे बड़ा होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि घटते कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए पहले सबसे छोटी संख्या देखिए कौन है, ये है 125, therefore 125 to whole power 1/12, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन है, 256 है, तो 256 का होल पावर 1/12, और सबसे बड़ी संख्या कौन है बेटा, 729 to the power 1/12। अब इसका ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, बताओ 125 टू द पावर 1/12 किसके लिए है, फोर्थ रूट ऑफ 5 के लिए है। इधर वो फैला होता है ना, वो बड़ा होता है संख्या, 256 टू द पावर 1/12 किसके लिए है, थर्ड रूट ऑफ 4 के लिए है, और सबसे बड़ा कौन है, 720 टू द पावर 1/12 ना, वो किसके लिए है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है बेटा, यही हमारा क्या है सोल्यूशन है, यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। अरे कुछ बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, दिया है रूट 6, फोर्थ रूट ऑफ 10 एंड 8th रूट ऑफ 19। तो पहले देखो, पहले तो हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम ऑफ 2, 4 और 8। देखो कैसे लेते हैं, वही पुराना मेथड है, मैं पढ़ चुके हूँ। एट आएगा, क्या आएगा बच्चों, 2 × 2 × 2, आप समझ गए कैसे एलसीएम लेना रहता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा 7th 8th में। चलिए अब देखिए
स्क्वायर रूट ऑफ 6 को लिख सकते हैं 6 का होल पावर 1/2। बेटा आप कुछ ऐसा करो कि इसके डिनोमिनेटर में 8 हो जाए। 8 तभी होगा जब हम 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 2 4 जा 8 या 1 * 4 4 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 का होल पावर 4 टू द पावर 1/8। अब 6 का पावर 4 क्या होता है, 6 × 6 × 6 × 6 मतलब 36 × 36। अभी करके देख लेंगे। ऐसे ही 4th रूट ऑफ 10 को आप लिख सकते हो 10 का होल पावर 1/4। अब कुछ ऐसा करो कि इसके डिनोमिनेटर में 8 आ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बैलेंस करने के न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तभी तो 2/8 / 1/4 आएगा। अब आप इसको लिखोगे 10 का स्क्वायर का होल पावर 1/8, इट गिव्स 100 का होल पावर 1/8। ये तो सिंपल था। चलिए अब थर्ड वाला बच रहा है, ठीक है। 8√90 यानी 90 का होल पावर 1/8। इसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी पावर में क्या है 1/8 है, ठीक है ना। चलो तब अब तो देखते हैं पर 6 का पावर 4 क्या था। 6 का पावर 4 का मतलब था 6 × 6 × 6 × 6। आइए जो जब 6 का पावर 4 करोगे ना तो होगा 6 का पावर 4 का मतलब होता है 6 × 6 × 6 × 6 अर्थात 36 × 36। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1296। इस तरह से आएगा 1296 to the power 1/8। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है दिए गए नंबर्स को, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखना है। तो बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। देखो ये है 90 to the power 1/8, ये 100 to the power 1/8, ये है 12 1296 power 1/8। इस तरह से हम देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 90 का होल पावर 1/8 है, उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन है, ये है 100 का होल पावर 1/8, ठीक है। उससे सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है 1296 का होल पावर 1/8। अब सबकी ओरिजिनल वैल्यू लिखिए। ये किसके लिए है, ये है 8√90 है। ये 100 पावर 1/8 किसके लिए है, ये 4√10 है। अब सबसे बड़ी संख्या 1296 टू द पावर 1/8 कौन है, ये है √6 है, ठीक है। यही है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ध्यान से देखना कि आप असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो ऐसे लिखोगे, और यही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो ठीक इसका रिवर्स हो जाता है और इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, जहां लेस है वहां ग्रेटर हो जाता है। क्वेश्चन बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, और ये है √3, √3√6 और ये है √4√10। तो सबसे पहले ना हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप यहां पे 2 होता है आपको तो पता ही है, 2 यहाँ 3 है, ये 4 है, 2 3 4 कैसे निकालते हैं, देखो क्या आता है, 12 आता है कि क्या आता है, देखो 2 1 2 अभी 12 आएगा, मैंने कहा था ना 12 आएगा, 2 × 2 × 3 12 आएगा बेटा, ठीक है। इसको आप रफ करके डायरेक्ट लिख देना, ऐसे हम आप 2 3 4 = 12 आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 12। अब देखो 9, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेटा इसको हम ना लिख सकते हैं 3 का होल पावर 1/2। अगर यहाँ तुम 2 लिख दोगे तभी कोई गलत नहीं कहेगा, इसका मतलब भी होता है 2 होता है, दिखा रहे हैं तो ऑलरेडी 2 होता है यहाँ पे 2। अब देखो अब 3 का होल पावर 1/2 था, कुछ ऐसा करो जिसका डिनोमिनेटर पावर 12 हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए हमें आखिर कैसे आएगा, हम जब 6 से मल्टीप्लाई किए होंगे यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी, यहाँ तो कर दिया तो 12 हो गया, ऊपर करोगे तो 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 का पावर 6 का होल बाई 12, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 3 का पावर 6 क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 27 × 27 आएगा। अभी करके देख लेंगे, ठीक है ना, इसका होल पावर कितना आता है, ठीक है। इससे पहले मैंने किया भी था, देख लीजिएगा वहां से। नाउ क्यूबिक रूट ऑफ 6 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 6 का होल पावर 1/3। बेटा इसको लिख सकते हैं 6 का होल पावर, बेटा इसका डिनोमिनेटर में हम 12 कब कर सकते हैं, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4/12। अब इसको लिखेंगे 6 का होल पावर 4 टू द पावर 1/12, और 6 का पावर 4 क्या होगा, 6 × 6 × 6 × 6 अर्थात 36 × 36। इसका भी तो किए थे, अभी देख लेते हैं, ठीक है क्या होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका कौन सा है, 4√10, इसको लिख सकते हैं बेटा 10 का होल पावर 1/4। अब देखो 10 का होल पावर, देखो अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3/12, बड़ी आसानी से इसका डिनोमिनेटर पावर के डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा।
लिख सकते हो 10 का होल क्यूब का होल पावर 1 बाई 12, अर्थात ये हो जाएगा 1000। बहुत से बच्चे 10 के ऊपर 30 लिख देते हैं गलती से, ठीक है मत करिएगा, आपको 10 का क्यूब है ना, तो 10 × 10 × 10 1000 का होल पावर 1/12, ठीक है। अब पहले 3 का पावर 6 निकाल दें, फिर 6 का पावर 4 निकाल दें, तो हम तब वहां से हम बताएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब 3 के पावर 6 मतलब होगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 अठारह 27 आएगा 729 और होल पावर 1/12 आएगा। 6 का पावर 4 आएगा 1296। अब देखो हमको किस फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो चेंज होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या पहले कौन, ये देखो तो सबसे बड़ी संख्या, देखो जब पावर सेम है ना तो तुलना कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या ये है 1296, 1296 का होल पावर 1/12। फिर उससे जस्ट छोटी संख्या कौन है, ये 1000 × 1/12, और सबसे छोटी संख्या कौन है, ये वाला 729 का होल पावर 1/12, ठीक है। अब हम आंसर कैसे देंगे, अब हमारा आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 1296 किसके लिए है, ये है क्यूबिक रूट ऑफ 6 के लिए, 1000 × 1/12 किसके लिए है, 4th√10 के लिए, और सबसे लास्ट में जो है 729 × 1/12 किसके लिए है, ये है √3, यही हमारा क्या है सोल्यूशन है, क्योंकि यही हमने डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बच्चों लिखा है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ये है क्यूबिक रूट ऑफ 4, ये है 4th√6 और ये 6√17। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 क्या होगा, देख लो पहले दूसरा डिजिट है, ये नहीं है, फोर का होल पावर 1/3 या 4 का होल पावर, देखो इसके डिनोमिनेटर में 12 तभी आएगा जब हम 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 4 का होल पावर 1/12, 4 का पावर 4, 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 4 64 × 4 कर दो, चेक कर लो ये आंसर आएगा, तो ये आएगा 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 25, ठीक है 256 पावर 1/12 आ जाएगा, आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी आपको। क्या है ये 4th√6 है, लिख सकते हो 6 का होल पावर 1/4 आप लिख सकते हो। अब देखो इसका डिनोमिनेटर अगर मैं 12 लिख दूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 × 6 होगा, 36 × 6 तो मतलब 216 होगा ये, क्योंकि 36 × 6 216 आता है, 216 आता है, लास्ट में बच रहा है 17 का पावर 1/6 है, तो डेनोमीटर में 12 चाहिए, तो कैसे करोगे 2/12 कर दो, 17 का स्क्वायर पे पावर 1/12, अब 17 का स्क्वायर 289 होता है, चेक कर लो 17 × 17 = 289 होता है, तो 289 का होल पावर 1/12 होता है, ठीक है। अब देखो अब हम लिख सकते हैं ना कौन बड़ा है या कौन छोटा है, हमको किस फॉर्म लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले जो सबसे बड़ी संख्या उसको देखो, देखो बेटा आप सबका पावर सेम आप तुलना कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या ये लग रहा है 289, तो 289 का होल पावर 1/12, ठीक उसके जस्ट छोटा कौन है, ये है 256 का होल पावर 1/12, ये है 256 हाँ, और सबसे छोटा कौन है 216 का होल पावर 1/12, अब आंसर यहां लिख दे रहे हैं, देयरफॉर ओरिजिनल फॉर्म क्या है 289, किसका फॉर्म है ये, ठीक उसके बाद 256 पहले वाला क्योंकि 4 है,
और सबसे छोटा कौन है? बढ़ते, हाँ घटते हुए क्रम में ना, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे लार्ज, सबसे छोटा सिक्स, ये कौन सा बच रहा है जी? 256, 216 आएगा, और 216 किसके लिए है? ये फोर्थ रूट ऑफ सिक्स, यही हमारा क्या उल्टा आंसर है, नोट कर सकते हो। बहुत ही आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, इफ अंडर रूट टू इज इक्वल टू है 1.4142, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। बच्चों इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि रूट टू को पहले इसको पुट कर देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, खूब लंबा चौड़ा होगा, ऐसा नहीं नहीं आंसर आएगा, लेकिन ये इस रूल को मत एडॉप्ट करिएगा, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे, पहले देखो गिवन रेट में क्या है, ये है रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। सबसे पहले क्या करो, रूट के अंदर रेशनलाइज करो इसको, ये रेशनल नंबर है सब के सब, रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट टू माइनस वन और रूट टू माइनस वन, ठीक है बेटा। अब देखो अब क्या होगा, ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इसी सिंपली रूट टू माइनस वन हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, बीच माइनस लगेगा, टू माइनस वन वन होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ वन वन ही आएगा, तो अंत में सिर्फ बचेगा रूट टू माइनस वन अपॉन वन, रूट टू माइनस वन। बताओ रूट टू वन की वैल्यू कितनी है, 1.4142, में से वन घटा दोगे 0.4142 आ जाएगा, बस देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अब तक वैल्यू अब रखते हैं तब तक अभी सॉल्व भी करते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई अंडर रूट सेवन और प्लस टू रूट टेन। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है सेटिंग वाले क्वेश्चन है। देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, सेवन को हम ब्रेक कर सकते हैं, देखो ये टू रूट टेन है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम कुछ ऐसा सोचे कि रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट टेन क्या होता है, रूट टेन तुम्हारा होता है रूट टू और रूट फाइव, ठीक है ना। देखो तो रूट टू का होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट फाइव, अगर मैं ऐसा कुछ सोच लूं तो ये इसके इक्वल है कि नहीं है। देखो जैसा कि तुमको पता है रूट टू का स्क्वायर टू होता है, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है, और टू टाइम्स रूट टू इंटू रूट फाइव क्या होता है, टू रूट टेन रहता है, और रूट टू का स्क्वायर टू और रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, तो इसका मतलब टू प्लस फाइव सेवन हो गया। इस तरह से सोचो ये क्या होता है, किसका फार्मूला बन जाता है, ये जो बनता है अंडर रूट टू और अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर है, और जब होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट टू प्लस रूट फाइव हो जाएगा, यही हमारा क्या इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है ना, रूट टू प्लस रूट फाइव। तो बच्चों एक्चुअली में ये सब क्वेश्चन जो है, मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि जरूर ये जो क्वेश्चन होगा किसी ना किसी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा इस तरह सोचने का प्रयास करिए। कैसे हमने सोचा, देखो 10 है ना, लेकिन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, बहुत से तरीके हैं, उसमें से 2 इंटू 5 है, तो 2 इंटू 5 10 होता है, अर्थात रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10 होगा। वैसे ही रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर जब ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है, ऐसे हमने सोच लिया, ठीक। यही हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, रूट टू प्लस रूट फाइव, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अगला है बच्चों सिंप्लीफाई अंडर रूट एट प्लस टू रूट फिफ्टीन। देखो 15 है ना, तो देखो रूट 15 कब से आया होगा, जब रूट थ्री में रूट फाइव से मल्टीप्लाई किए होंगे, या रूट फाइव इंटू रूट थ्री, और जब जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर करने पर 5 आएगा, दोनों को ऐड करके 8 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रूट एट प्लस टू रूट फिफ्टीन इक्वल टू होगा अंडर रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रूट फाइव इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो इस तरह से सोचो ये क्या बन गया, रूट फाइव और प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, अर्थात रूट फाइव प्लस रूट थ्री, यही हमारा क्या है सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक बच्चों इसको नोट कर लीजिए। मान लो अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ तक आंसर आ गया, अगर मान लो बेटा हम चेंज कर दें, हम माइनस लगा दें तो क्या होता है, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देते हैं, फिर हमको यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, तो अभी किसका फार्मूला बन जाता, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाता, तो हमारा सलूशन ये आ जाता है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
एक क्वेश्चन रह गया था तो उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसको यही क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक फॉर्मूला को लर्न करने होंगे। क्या है फॉर्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे लर्न करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ पे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू होता, अगर बेटा यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू होता तो आपको लर्न करते ए प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान देना माइनस ए बी है यहाँ, प्लस ए बी है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम पहले वाले का। और दूसरी वाली फॉर्मूला कब पढ़ोगे? अगले चैप्टर में, इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा ये सब फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो पहले। प्रूफ दैट एक्स टू द पावर ए अपन एक्स टू द पावर बी टू द होल पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी अपन एक्स टू द पावर सी टू द होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी अपन एक्स टू द पावर ए टू द होल पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन आपको लाना है। तो सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब आपने फार्मूला पढ़ा था ना कि ए पे पावर एम अपन ए पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम माइनस एन। उस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एक्स का पावर ए माइनस बी टू द होल पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, इसको लिख सकते हैं बेटा बी माइनस सी टू द होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का होल पावर सी माइनस ए टू द होल पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है ये पावर इसी से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको तुम ऐसे लिख दो एक्स का होल पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का होल पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का होल पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से समझो आप, यहीं पे ये जानते हो क्या है? इट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो ना अभी बताए थे ना ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुम ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं ये है एक्स पे पावर ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ये जो फॉर्मूला है ये है एक्स टू द पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू और ये जो फॉर्मूला है एक्स टू द पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखो क्या होगा, और आपने पढ़ा था जब पावर जब नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाते हैं। ये होगा इक्वल टू एक्स पे पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। यहाँ है तुम चेक करो क्या सबका पावर जीरो नहीं होगा, यही राइट आंसर है। चेक करो देखो प्लस ए क्यू कैंसिल होगा माइनस ए क्यू से, माइनस बी क्यू कैंसिल होगा प्लस बी क्यू से, और माइनस सी क्यू कैंसिल होगा प्लस सी क्यू से। इस तरह से होगा एक्स टू द पावर जीरो इक्वल टू वन विच इज द राइट आंसर। यही स्थिति। ठीक है बेटा।